हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीन वॉशिंग के बारे में, ठीक है। तो एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने एक तरीके से कॉशन जताया है, चिंता जताया है कि भाई ये जो जीरो टॉलरेंस, जो एक तरीके से उन लोगों के लिए ले लो जो नेट जीरो ग्रीन वॉशिंग की बात करते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ग्रीन वॉशिंग होता क्या है और इस ग्रीन वॉशिंग का जो कार्बन क्रेडिट है, ठीक है, कार्बन क्रेडिट मतलब अगर आप या कोई कंपनीज 1 टन CO2 एब्जॉर्ब करता है तो उन्हें 1 कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। तो हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअली ग्रीन वॉशिंग के बारे में क्यों बता रहे हैं ऐसा। बट बिफोर स्टार्टिंग हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, ठीक है। तो उससे पहले हम आप लोग के लिए एक MCQ लेकर के आए। आप यहाँ पे देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म्स ग्रीन वॉशिंग। तो देखते रहिएगा, ठीक है, आपको इसकी आंसर इसी पार्टिकुलर वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, अभी जो ऑन गोइंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज COP 27 इजिप्ट के, आप बोल सकते हैं, चल रहा है, जहाँ पे UN सेक्रेटरी जनरल जो अंतोनियो गुतरेज है, उन्होंने एटरेटेड किया कि भाई देखो, जो लोग नेट जीरो ग्रीन वॉशिंग की बात करते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ जो है ना जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। और अपने अंदर में उन्होंने एक एक्सपर्ट कमिटी गठन किया था इस पार्टिकुलर ग्रीन वॉशिंग पे एक रिपोर्ट जारी करने के लिए, और ये कमिटी ने फर्स्ट रिपोर्ट जारी किया है इस पार्टिकुलर मैटर पे और स्लेम किया है, मतलब चिंता जाहिर किया, उन लोगों को कंडेम किया है जो लोग ग्रीन वॉशिंग एक्टिविटीज़ में जो है ना संलिप्त रहते हैं और स्पेशली जो कॉरपोरेट एंटिटीज होता है। तो देखिए, ये जो ग्रीन वॉशिंग है ये एक्चुअली में मिसलीडिंग टर्म होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कार्बन उत्सर्जन करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से और उसके बदले बड़ी बड़ी बातें करता है कि भाई हम कार्बन इमिशन, या आप बोल सकते हैं फॉसिल फ्यूल से लड़ने के लिए इतना चीज़ें कर रहे हैं, या अपने प्रोडक्ट के बारे में जो उनकी प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिफाइड फॉसिल फ्यूल से मिल करके बनता है और वो बाहर आकर के बोलते हैं मेरी सामान तो इको फ्रेंडली है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो मिसलीडिंग एक्टिविटीज़ होती है, पब्लिक को ये बिलीव दिलाता है कि भाई हम जो भी कर रहे हैं ना वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो एक तरीके से मोर देन इनफ है और ये जो है ना एक तरीके वीक नेट जीरो प्लेस है जो प्रोवाइड्स करता है इंटीग्रिटी टू द नेट जीरो कमिटमेंट बाय द इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिटीज़ एंड रीजन्स, और सपोर्ट करता एक ग्लोबल रिक्विजिट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल फ्यूचर। तो बेसिकली जो कंपनियां हैं वो भरोसा जीतती है लोगों की मिसलीडिंग तरीके से, और ये बोलते हैं कि भाई उनकी जो वो जितनी भी ये काम कर रहे हैं ना वो इन्वायरमेंट के लिए जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, और उनका जो मेन एम है वो क्या है, नेट जीरो प्लेस जो उनका है वो एक तरीके से रोड मैप तैयार करता है किस चीज़ के लिए, उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री के द्वारा क्लाइमेट्स में फाइट करने के लिए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ये एक तरह का भ्रम में डालने वाला एक्टिविटी होता है, ठीक है। UN सेक्रेटरी जनरल ने फर्दर ये भी कहा है कि भाई देखो, आजकल जो है ना गवर्नमेंट और जो भी नॉन स्टेट सेक्टर्स या एक्टर्स है जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनकी जो प्लेजिंग हो गई है कार्बन फ्री होने की, वो गुड न्यूज़ तो है, इंडिविजुअल स्तर पर भी बहुत अच्छी बात है कि लोग कार्बन फ्री होना चाहते हैं। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो आपकी क्राइटेरिया है, बिना किसी अवेयरनेस के लोगों को बस आप ये बोल दो कि आपको पेड़ लगाने हैं, ये नहीं पता है कि वो पेड़ जो है इन्वेसिव है या आपको अच्छी पेड़ है, तो बिना किसी क्राइटेरिया या बेंचमार्क के अगर आप ये बोल दोगे कि हम नेट जीरो के कमिटमेंट को पूरा करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो है UN के जो सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस साहब, उन्होंने बोला कि ये कंसर्न है और आपको इससे एक बाद में जो है ना फ्यूचर में एक बहुत बड़ी लूपहोल देखने को मिलेगी, और ये हो सकता है कि ये बहुत बड़ी आपके लिए चिंता की पैदा कर सके, ठीक है। जैसे मान लो कि एक ट्रक ड्राइवर बोलता है कि भाई हम तो ग्रीन फाइट
यू नो ग्रीन क्लाइमेट से फाइट करने के लिए जो है ना एक तरीके से अपनी घर के आसपास पेड़ पौधे लगा रहे, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि भाई उनकी जो प्रोफेशन है उसमें फॉसिल फ्यूल से चलने वाली ट्रक है, तो ये एक तरीके का ग्रीन वॉशिंग होता है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट आया है यूएन के सेक्रेटरी जनरल के एक्सपर्ट द्वारा, ये बताना क्या चाह रहे हैं, तो देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि जो एक्टर्स हैं इस पार्टिकुलर यू नो क्लाइमेट फाइट में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर्स हो, उनकी जो क्लेम है नेट जीरो की, ठीक है, ये नहीं कर सकते हैं। ऐसा रीजन ये है कि अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या करनी चाहिए, जितनी भी यू नो फॉसिल फ्यूल सप्लाई होती है उनको कट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि हम नेट जीरो करेंगे इमिशन, और साथ ही साथ वो कंटिन्यू कर रहे हैं इन्वेस्ट करना और बिल्ड करना न्यू फॉसिल फ्यूल सप्लाई और एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंटली यू नो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, तो कहीं ना कहीं जो है ये आपको एक तरह से ग्रीन वॉशिंग का काम करता है वो लोग। फर्दर उन्होंने बताया कि भाई देखो वो इवन पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता है लॉबिंग और एक्टिविटीज़ जो लोगों को क्लाइमेट यू नो चेंज के एक तरीके से संबंध में, ठीक है, तो वो बेसिकली उनको अगर अगर ग्रीन वॉशिंग नहीं कर रहे हैं तो उनको जो लॉबिंग एक्टिविटीज होती है ना अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया कमेटी ने, कि बोला कि भाई एक तो हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो हमारी गाइडलाइंस है, ठीक है, उसमें नॉन स्टेट इंटिटीज विद नॉन नेट जीरो टारगेट मस्ट नॉट अलो एनी फ्रेश इन्वेस्ट। तो सबसे पहला तो अगर आप मतलब ग्रीन वॉशिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप कम्प्लीटली कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है या कंपनीज हैं वो कम्प्लीटली जो है ना फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना करें अपने फॉसिल फ्यूल्स के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वर्क में। साथ ही साथ कि उनको एक तरीके से जो है ना मस्ट प्रेजेंट वेरीफिएबल शॉर्ट टर्म्स इमिजन रिडक्शन गोल, और स्पेशली बाई 2025 तो उनकी ये गोल होनी चाहिए कि वो नेट जीरो को अचीव कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिफॉरेस्टेशन को एक तरीके से जो है ना बढ़ावा नहीं देगा, वो इन करेगा, ठीक है, उनकी सारी एक्टिविटीज़ वो बढ़ावा नहीं देगा। ठीक है, फिर इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 10 प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन दिया गया है स्पेशली इन द 4 कैटेगरीज एरिया, जैसे इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट की रोल है ना वो एक तरीके से नेट जीरो को अचीव करने के लिए आप अपनी कार्बन यू नो क्रेडिट्स में बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फॉरेस्टेशन करो, आपकी एक्टिविटी में दिखनी चाहिए कि आप ग्रीन वॉशिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप एकदम बिल्कुल आपकी जो गोल के तरफ आप बढ़ रहे हो, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या आपकी जो पेरिस क्लाइमेट है, उन सारी यू नो पार्टिकुलर यू नो गोल को आप क्या कर रहे हो, अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब हम जान लेते हैं यहाँ पे कि ये जो ग्रीन वॉशिंग टर्म है ये फर्स्ट यूज किया गया था 1986 में बाय जय वेस्ट वेल्ड थे, ये एक अमेरिकन इन्वायरमेंट और रिसर्चर थे, और मैंने आपको बताया कि ये जो पार्टिकुलर टर्म्स है ये मार्क करता ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज एज क्लाइमेट फ्रेंडली बट समथिंग दैट वुड लीड टू इमिजन रिडक्शन और अवॉइडेबल इमिजन। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से एक्टिविटीज़ तो है क्लाइमेट फ्रेंडली बट ये जो है एक तरीके का अनवेरीफिएबल मिसलीडिंग और डबियस यू नो वर्ड्स है, और ये जो है ना एक्चुअली में सिर्फ बूस्ट करता इमेज ऑफ द एंटिटी बट कुछ नहीं करता है क्लाइमेट को फाइट करने में। ठीक है, और ये जो है सारे टाइप के एक तरीके से बोल सकते हो अक्रॉस अ होल रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज ऐसी चलती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो डेवलप कंट्रीज को हमेशा जो है ना ऑफन यू नो ऑफन accused ग्रीन वॉशिंग देयर नॉर्मल बिजनेस इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग कंट्रीज बाई हाईलैंड। तो बेसिकली जैसे आप जो हमारी यू नो डेवलप कंट्रीज है स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न और यूएसए है उनको हमेशा जो है ना इस तरीके का यू नो लोग आरोप लगाते कि भाई आप ग्रीन एनर्जी इन सब चीज़ों के बारे में कार्बन इमिशन के बारे में बात करते हो लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इस ग्रीन एनर्जी में खुद जो अपने घर में आप फॉसिल फ्यूल यूज करते हो उसके कंजम्पशन में कम नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं एक 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 ग्रीन वॉशिंग को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। अब हम चलते हैं हम अपने MCQ की तरफ और यहाँ पे देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म्स ग्रीन वॉशिंग। तो ऑप्शन एक यही है कि
क्या लिखा हो, फॉल्स इम्प्रेशन को कन्वे करना जो कंपनी ने 2019 में, ठीक है, प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड द यू नो इन्वायरमेंटली साउंडिंग, तो ये एक मिसलीडिंग टर्म्स है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट यू नो फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सही समय पर हमारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।